नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मैं सोनू पहाड़ी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल सोनू पंत पहाड़ी ब्लॉग। आपको बताएंगे कि देखो कैसी महंगाई ने आज जो है आज की डेट में आम आदमी को परेशान करके रखा है। तो भाई साहब जैसे बताइए गैस का आज का क्या रेट, आपको गैस लेनी पड़ रही है? गैस 90 रुपये किलो हो रहा होगा, लगभग 90 के आसपास है अभी। आप 1 किलो 2 किलो ऐसे भराते हैं? ऐसे भराते हैं, यानी कि 90 रुपये किलो गैस हो गया। उसके बाद आपकी आज सैलरी क्या है आपकी? वैसे सैलरी मेरी है 8,500 रुपया। ओवर टाइम करते हैं तो 8-10-12 से ऊपर हम कभी जाते ही नहीं है। मतलब 8 घंटे की आपकी 8,500 से ऊपर नहीं है? हाँ, मैं वही पूछना चाह रहा हूँ आपसे। तो 8,500 में आपका गुजारा हो पाता है क्या? गुजारा कहाँ हो पाता है, मजबूरी में करना पड़ता, ना करे तो क्या कर रहे हैं? अगर मानो अगर हम देखो प्राइवेट वर्कर, अगर हम 4 दिन 5 दिन धरने पे बैठ जाएं तो भैया हमारे उस दिन की सैलरी तो नहीं मिलेगी ना हमें, मिलेगी तो हम लोग धरना भी नहीं कर सकते हैं। ऊपर से आजकल तो ब्रेक डाउन एकदम, कल 2 दिन की छुट्टी, कल परसों छुट्टी है। और टमाटर आज की डेट में क्या रेट बैठ गया है? 60 रुपये किलो अभी लेके आए, 60 रुपये किलो कह रहा है। और आपने तेल क्या भाव लिया है? 200 रुपये किलो तेल ले लिया। चावल 40-45 से ऊपर ही है अब सीधे। आटा 30 रुपये किलो, 20 रुपये किलो आटा है। तो कहने का मतलब यह है कि जैसे पहले महंगाई थोड़ा कम थी तो आज उस हिसाब से हमारी सैलरी नहीं बढ़ी है। पहले तेल हमारा कितने रुपए का हुआ करता था? 90 रुपए का, 80-90 रुपए का तेल हुआ करता था। आज वही तेल सीधा डबल पहुंच गया है, तो यानी कि हमारी सैलरी भी तो डबल होनी चाहिए कम से कम। क्या आपके हिसाब से होनी चाहिए सैलरी आज के डेट में हमारी? कम से कम नॉर्मल आदमी है कम से कम 20 तो होना ही चाहिए, 18-20 के आसपास में होना ही चाहिए। 20 तो होना चाहिए, वो हम भी कह रहे हैं। मेरे सारे जो जितने मैंने इंटरव्यू लिया अभी तक, हर किसी का यही मत है कि हमारी सैलरी 20 के समथिंग होनी चाहिए। धन्यवाद भाई साहब, फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे आप हैं कहाँ के भाई साहब, कहाँ के रहने वाले? बागेश्वर के। अच्छा, पहाड़ के, उत्तराखंड के हैं हमारे भाई साहब। और देखिए आप घर पे भी कुछ भेजना पड़ता होगा शायद इनको, हैं घर वालों की भी उम्मीद होती है। 5-6 महीने हो गए कुछ भी घर पे भेजा ही नहीं है, भेजता ही नहीं है तो क्या भेजे? ड्यूटी नहीं हो पा रही है, ऊपर से सैलरी इतनी कम है, कहाँ से भेजे क्या भेजे? आप घर जाना पड़ेगा, अगले महीने घर जाएंगे, वही 10-12 हज़ार रुपये होते हैं, वही लेके घर चले जाए, घर भी देखना है, वैसे चलता है। थोड़ा घर में खेती बाड़ी हल्का फुल्का हो जाता है, इसलिए यहाँ अगर बच्चों वालों का और ज्यादा दिक्कत है। हम लोगों का ये हालत तो बच्चों वालों का तो जो फैमिली लेके, हाँ, वही मैं तो उनकी बात भी मैं रख रहा था भाई साहब कि बच्चों वालों का क्या हाल नहीं होगा, बहुत बुरा हाल है भाई साहब बच्चों वालों का भी। चलो भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपना कीमती समय दिया हमें। काम करने के बाद जो थकावट होती है वो एक वर्कर ही जान सकता है जो काम करके आ रहा है। कोई और नहीं समझ सकता उनके दर्द को। सरकार क्या समझेगी? सरकार तो वोट लेने आई है, पर हर सरकार चाहे कोई भी सरकार हो, नेता लोग तो भैया चुनाव के टाइम हमारे घर घर आते हैं, नमस्कार बोलते हैं, सपोर्ट करना बोलते हैं, कोई कुछ बोलता है, कुछ लोग तो पैसे भी देने के लिए आते हैं। अरे भैया हम ये बताओ, हम उनसे पैसा क्यों लें? अगर हमने उनसे पैसा ले लिया तो कल को हम उनसे कोई काम कराने के लायक नहीं है। हमको उनका जवाब ये मिलेगा कि हमने तो पैसे देकर तुझे खरीदा है। दोस्तों एक गधे की कीमत भी 20,000 से ऊपर है तो क्यों हम 1,000 रुपये में बिके? आज नेता लोग घर घर आके हमारी समस्या का हाल पूछने के लिए आते हैं, और वही नेता चुनाव के बाद जीतने के बाद हमसे बोलते हैं आप कौन है भाई साहब, जबकि वो हमको जानते हैं, जबकि हम उनसे मिले हुए हैं, क्योंकि अब उनमें पावर आ गई है, सत्ता आ गई है उनके हाथ में। तो ये हाल होता है, हम अपना कोई काम कराने के लिए जाएं तो भैया सब जीरो है, तभी नहीं होगा। या तो तुम्हारे अप्रोच ऊपर तक होनी चाहिए, हाई पावर तक होनी चाहिए, और बिना नेता के फोन के कंपनी वाले भी रखने के लिए तैयार नहीं होते हैं आज की डेट में। अगर एक नेता फोन कर दे, एक विधायक फोन कर दे, तो एक अनपढ़ भी 20,000 की सैलरी पा लेगा आराम से। अगर भैया कोई अप्रोच ना हो तो एक बेटा का छात्र भी 8,000 रुपये से नीचे की तनख्वाह लेगा, 8,000 में काम करने के लिए मजबूर हो जाएगा। तो क्यों ना हमारे देश में भैया योग्यता के अनुसार ही चयन होना चाहिए।
पर इंटरव्यू लो उसका, किस लायक है बंदा। एक सरकारी कर्मचारी 90,000 रुपये तनख्वाह ले सकता है, एक विधायक 1,00,000 रुपये से ऊपर तनख्वाह ले सकता है, और पेंशन आजीवन। तो क्यों हमारे हमें इतना नहीं मिल पाता है? अरे कम से कम इतना ना दो, कम से कम प्राइवेट कर्मचारियों की तनख्वाह इतनी हो कि महीने का जो है गुजारा सही ढंग से कर सकें। कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों को 8,000-9,000 में टरकाया जाता है। क्या 8 घंटे वो इतने काम कर रहे हैं, कैसी के लायक काम कर रहे हैं? कंपनियां तो मुनाफा ले रही हैं करोड़ों का, अरबों का, लेकिन कंपनी में काम करने वाले कर्मचारी कोई बेनिफिट नहीं ले पाते। और तो और उनको घर जाने के लिए भी अपना पीएफ निकालना पड़ता है। जब घर जाते हैं तो अपने पीएफ को निकालते हैं और उसमें से एडवांस पीएफ निकाल के फिर घर जाते हैं, क्योंकि सैलरी का पैसा तो उनके पास बचता नहीं है। अब सैलरी का पैसा तो उनके पास एक बचता नहीं है। अब यार घर वालों के भी कुछ अरमान होते हैं कि हमारा बेटा घर आ रहा है, कुछ लेकर आएगा। अगर हमारी तनख्वाह 25,000 की समथिंग हो तो हम 5,000 रुपये घर भेजने में भी कोई दिक्कत नहीं है। 5,000 रुपये आदमी अपने घर के घर भेज सकता है, बाकी अपना जो है सेव भी कर सकता है और खर्चे जो उसके हैं वो भी अपना निपटा सकता है आराम से। तो आखिर कब तक ये चलेगा? सरकारी कर्मचारियों को तो भैया कोई दिक्कत होती नहीं है, क्योंकि उनकी सैलरी भी अच्छी खासी है। अब भैया आप लोग खुद ही सोचिए कि 8-10 हजार में आजकल होता क्या है। 200 रुपये का तेल का पाउच है, 925 रुपये की गैस है, 100 रुपये किलो से ऊपर सब दालें हैं, आटा महंगा है, चावल महंगा ही है। तो आखिर सस्ता क्या है? सस्ता है पानी। पानी भी सस्ता कहाँ है? पानी भी तो 20-25 रुपये की बोतल है, और कितने जगह तो पानी मिलता ही नहीं है। तो दोस्तों हमें सब लोगों को सपोर्ट करना है एक दूसरे का, और इस वीडियो को आगे से आगे शेयर करते रहना है। सरकार के कान तो खुले, भाई चुनाव का दौर नजदीक आ रहा है। सभी नेता लोग इस वक्त अपने अपने घोषणा पत्र जारी कर रहे हैं। कोई बोलता है हम 5,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता देंगे, कोई बोलता है हम जॉब पोर्टल खोलेंगे, कोई बोलता है हम युवाओं को जो है भैया नौकरी का झांसा देंगे। तो इनके झांसे में ना आकर हमें, मैं किसी एक पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, ना मैं किसी पार्टी के बारे में गलत बोल रहा हूँ, ना किसी पार्टी के बारे में सही बोल रहा हूँ। भाई हमारे उत्तराखंड के, हमारे देश का यही हाल है। यहाँ पार्टियाँ आती हैं और जाती हैं। भाई उत्तराखंड में 5 साल कांग्रेस आई, 5 साल भाजपा आई, फिर 5 साल कांग्रेस आई, क्या विकास हुआ भाई? पहाड़ ऐसी का ऐसी आज तक। अभी पहाड़ में ट्रेन आने में भी कम से कम 50 साल लग जाएंगे, जबकि अंग्रेजों ने बागेश्वर तक, चकुटिया तक ट्रेन लाइन पास कर दी थी। अगर हमारे उत्तराखंड में पहाड़ों में ट्रेन चल गई तो काफी लोगों को रोजगार मिलेगा, कुछ लोगों को रेलवे में रोजगार मिलेगा, कुछ लोगों को भैया रेलवे के बाहर जो अपना स्टेशन बने होते हैं उनमें कुछ लोग रोजगार करेंगे। भाई जब बाहर से लोग आएंगे तो रेलवे स्टेशन पे ही रुकेंगे, तो वहां से गाड़ियों की व्यवस्था भी होगी उनके लिए, तो भैया गाड़ी वालों को वैसे रोजगार मिलेगा, दुकान वालों को वैसे रोजगार मिलेगा। और फिर उसके बाद उत्तराखंड में कंपनियां खुलेंगी, जब रेलवे लाइन चलेगी तभी कंपनियां भी खुलेंगी, और कंपनियां अपना कच्चा माल ट्रेन के माध्यम से ला सकते हैं।
मालगाड़ी के माध्यम से, और बना हुआ माल भी ले जा सकते हैं, उससे कंपनी को भी सुविधा और कंपनी में हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा, उससे पलायन कुछ हद तक रुक जाएगा। आज बेरोजगारी एक बहुत बड़ी बीमारी है जो हमारे देश को और हमारे राज्यों को अंदर ही अंदर खोखला कर रही है। सभी सरकारें नाकाम हैं इसको रोकने में, कोशिश तो सब करते हैं मगर कागजों तक ही सीमित रह जाते हैं, ग्राउंड में सब जीरो है। आखिर ऐसा क्यों? हमें जागरूक बनना है। मेरी इस वीडियो को मेरे कितने मित्र लोग देखेंगे मगर देखने के बाद कुछ लोग जो है हटा देंगे, अरे कुछ लोग तो लाइक भी नहीं करेंगे, कमेंट की बात तो छोड़ो, कुछ लोग शेयर करेंगे ही नहीं। मित्रों अगर मैं मेरी बात से आप सहमत हैं तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।